अपनी थोड़ी से देखना, अपनी दाढ़ी से देखना, पर देख हर हर चीज के अंदर तेरे अल्लाह की रहमत नजर आएगी। और किवें अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े जहीन इंसान पैदा करते हैं कि कोई संगे मरमर का नक्शा बनाए, कोई शीशे का नक्शा बनाए, कोई पत्थर का नक्शा बनाए, कोई अपनी किसी चीज का नक्शा बनाए, लेकिन कायनात के अंदर योजना साइंसदान योजना इंजीनियर योजना कायदान पूरी कायनात के अंदर नहीं, जरा पानी तो नक्शा बनाए, पानी तो नक्शा। और पानी भी समुंदर नहीं, दरिया नहीं, कोई तालाब नहीं, एक कतरा पानी का तेरे कपड़े लग जाए तो कपड़े धोवे, समझना कपड़े लग जाए तो धोवे, क्यों खराब हो गए ने, नापाक हो गए ने, अल्लाह ने उस कतरे तो तेन पैदा किया, फिर तेरा नक्शा अजीब, तू मस्जिद का नक्शा बनाए, मिंबर बड़ा प्यारा बनाए, मेहराब बड़ा सोना बनाए, कोई आज कहे कि ऐ इंजीनियर साहब मेहराब बड़ा प्यारा बनाया, ऐ मीनार बड़ा प्यारा बनाया, लेकिन ऐ स्टोन तू टेढ़ा कर दिता है, ऐ स्टोन टेढ़ा कर दिता है, अल्लाह ने तेरी अख जिथे सोनी लगनी सी उत्थे ला दी, तेरे कान जिथे सजदे सी उत्थे ला दिते, तेरी ठोड़ी जिथे सजदी सी उत्थे ला दिती, तेरा सीना जिथे काम करदा सी उत्थे ला दिता, तेरे बाजू जिथे घर आमद सी उत्थे ला दिते, तेरे पैर जिथे घर आमद सन उत्थे ला दिते, तेरे घुटने जिथे घर आमद सन उत्थे ला दिते, तेरे हाथ जिथे काम करदे सन उत्थे ला दिते, तेरी जबान जिथे बोल सकती सी उत्थे ला दिती, तेरी अख जिथे देख सकती सी उत्थे ला दिती, मैं कहना हर चीज के अंदर मेरी रहमत है, हर चीज के अंदर रहमत है, मेरी रहमत है, या अल्लाह बनाया बनाया भी तू उठे जिते अंधेरे ही अंधेरे, मां ने पेट के अंदर बनाया, अल्लाह कौन खिलाएगा, सौ जाओ मैं मंजिया का ऐलान करना कि मंजी भेजे, मैं पहले शुरू जाकर जिन अल्लाह ने जुबान दी है ना वो साथ दे, जिन्हें रेंट तो ली है उन्होंने कोई जिम्मेदारी ना, उन्होंने मैं कहना तो ना वो बोल, अल्लाह ने इंसान को वजूद दिता और मां के पेट के अंदर खुराक का इंतजाम कर दिता, मां के पेट के अंदर अल्लाह ने एक नाली ला दी कि नाली के जरिए खून जाता है खुराक मिलती है, जब तू मां के पेट से निकल के बाहर आया, मैं क्या अल्लाह एक ऐसा मंदिर है कि इंसान बाहर आ रहे हैं वो नाली ताई ने कट दीती है, अल्लाह कहना हां हां उसने उस नाली के जरिए खुराक दे दी थी, पर हम दुनिया से आ गया मैं नाली की दवा दीती है तो मैं जुबान के जरिए खुराक देना चाहना, देखिए या अल्लाह जिस भी तू जुबान के जरिए खुराक देना, अल्लाह कहना खून होता है नापाक तो मैं जुबान के नाल नहीं रहना चाहता, इसलिए इस जुबान को मैं अपने से अपने नबी के तराने सुनते हैं, अपने दे अपने नबी दे तराने सुनने ने, इसलिए मैं खून नहीं लगन दिता, ओए अल्लाह खून ना लगन दे तू गालियां कटे, अल्लाह खून तो बचाए ते तू गोश्त खाए, जिहड़ा गीबत करदा है अपने वीर दा गोश्त खांदा है, अल्लाह कहिंदा मैं खून तो बचाना चाहना, तेरी जुबान ते या अल्लाह दी हमद होवे या नबी ते दरूद होवे, नबी ते दरूद होवे ताकि पता चले अल्लाह भी खुश होवे मदीने च मुस्तफा भी खुश होवे कि वाकई जुबान जिस लई बनाई सी उत्थे ला रहा है उसे इस्तेमाल कर रहा है, या अल्लाह नाली कट दिती है, अल्लाह कहिंदा एक रस्ता सी ना खुदा का हुण दुनिया ते आया है, मैं दो रस्ते खोल जा रहा हूं, मैं दो रस्ते खोल जाऊंगा, मैं कह या अल्लाह फिर जदों जवान होएगा, अल्लाह कहिंदा जवान होएगा ते चल कर मैं चार रस्ते खोल जाऊंगा, और अगर तू मेरी फरमा बरदारी करेगा मेरे महबूब की इताअत करेगा मेरे नबी की सुन्नत नूं अपनाएगा मेरे नबी दी अदावां नूं सीने ना लाएगा, अख बंद करके तू कब्र च जाएगा, मैं अल्लाह चार बन के चले चार दरवाजे बंद करके जन्नत दे अख दरवाजे खोल जाऊंगा, तेरे लिए जे तू हमें ना फरमान
दरवाजे तो खुलने ने पता नहीं किधरों खुलने, दरवाजे तो खुलने किसी भी पास अल्लाह ने सुटना ना, पता नहीं कि खुलने खुलने हैं। तू फरमा बरदारी करके आई बंदे, अठ दरवाजे खोलांगा ये भी मिल जाएगा। समझ आ रही है गल? ये मौलवी साहब वाली गल पश्तो शुरू करिए, पंजाबी समझते हो ना? समझ नहीं थी इसके लखनऊ चो आए है तो मैंने सुने तो फादर पढ़ते ही। मैं क्या यार ला, तेरी रहमत बड़ी अजीब है, पर मैं चाहना तेरी रहमत की कोई शक्ल हो ताकि मैं पहचान सका, सर मुराद साहब पहचान सकन, उलमा पहचान सकन। लेकिन अच्छा जे ये गल है ना तो तू मेरे को सवाल कर, या अल्लाह तेरे रहमत का मुखड़ा क्यों रहा, तेरे रहमत दियां जुल्फां क्यों रहीं, तेरे